गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ 4th and 5th दिसंबर 2022। तो करते हैं स्टार्ट। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा। कौन सा देश रहा है सबसे ऊपर? पाकिस्तान। कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉरपोरेट को नामांकित किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में सवर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती। किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। भारत ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। किसने की है? भारत ने। शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक दी चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता। तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भारत में शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में घरों पर रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। ICAI का नया अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को चुना गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा। गूगल कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम इम्फाल में आयोजित हुआ। गीता महोत्सव 3 दिसंबर को मनाया गया। उत्तराखंड राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किए हैं। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह की खोज की। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सरबजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष अच्छलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।